शुभ संध्याकाळ. पुढील काही वेळातच सर्व मान्यवरांचं या ऐतिहासिक कावसजी जहांगीर दीक्षांत सभागृहामध्ये आगमन होईल आणि त्यानंतर माननीय लक्ष्मणराव इनामदार मेमोरियल लेक्चरच्या आजच्या समारंभाचा प्रारंभ होईल.
नमस्कार। अभ्राच्छादित निळ्या आकाशातून सूर्य आपल्या दिवसभराचं काम पूर्ण करून या सभागृहाच्या उजव्या हाताला जवळच असलेल्या पश्चिम समुद्रामध्ये जाऊन मावळतो आहे, आणि तो मावळत असतानाच इथे एका विचारसंध्येला प्रारंभ होणार आहे। ही विचारसंध्या आहे एका बाजूने ज्ञानाची आणि दुसऱ्या बाजूने सहकाराची। ज्ञान आणि सहकार ज्यावेळेला एकमेकांच्या हातात हात घालून पुढे येतील त्यावेळेला या देशाचा एका वेगळ्या पातळीवरती विकास आणि त्या विकासाला प्रारंभ होईल याची निश्चितपणे खात्री आहे। सहकार भारतीच्या माध्यमातून मान्य लक्ष्मणराव इनामदार, ज्यांना वकील साहेब म्हणून सर्वजण ओळखतात, त्यांनी या देशातल्या सहकार चळवळीला एक वेगळं वळण दिलं, वेगळा आकार दिला, नवी दिशा दिली। संस्कारातून सहकार आणि सहकारातून उद्धार हे ब्रीदवाक्य असलेली सहकार भारती, आणि दुसऱ्या बाजूला मुंबई विद्यापीठ शीलवृत्त फला विद्या असं तिचं स्वतःचं बोधवाक्य। गेल्या 166 वर्षामध्ये मुंबई विद्यापीठानं या देशाच्याच नव्हे तर जगाच्या जडणघडणीमध्ये अभूतपूर्व अशी भूमिका बजावलेली आहे, आणि त्याच भूमिकेमधून आज मुंबई विद्यापीठानं सहकार भारतीच्या संयुक्त विद्यमाने माननीय लक्ष्मणराव इनामदार स्मृती व्याख्यानाचं आयोजन केलंय। पहिलं व्याख्यान हे भारताचे तत्कालीन उपराष्ट्रपती श्री व्यंकय्या नायडूजींनी दिलं होतं, आणि आजचं दुसरं व्याख्यान हे आपल्या भारताचे आदरणीय गृहमंत्री आणि पहिले सहकार मंत्री आदरणीय अमितभाई शहा हे देणार आहेत। पुढील काही वेळामध्ये सर्व मान्यवरांचं इथे आगमन होईल आणि कार्यक्रमाला प्रारंभ होईल। स्वागताचा आवाज असू शकतो, आपण सर्वजण आदरणीय गृहमंत्री भारत सरकारचे आणि पहिले सहकार मंत्री अमितभाई शहा, महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल श्री रमेश बैजी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री एकनाथजी शिंदे आणि अन्य सर्व मान्यवरांचं इथे काही क्षणात आगमन होईल। त्यांचं स्वागत आपण आपल्या जागेवर उत्थापन देऊन करणार आहोत।
आदरणीय गृहमंत्री अमित भाई शाह यांचं विद्यापीठाच्या प्रांगणामध्ये आगमन झालेलं आहे. भारत सरकारचे आदरणीय गृहमंत्री आणि पहिले सहकार मंत्री आदरणीय अमित भाई शहा यांचे इथे आगमन झालेलं आहे. त्यांचे समवेत महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल व सर्व विद्यापीठांचे कुलपती आदरणीय श्री रमेश बैसजी आहेत. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री एकनाथजी शिंदे, महाराष्ट्राचे सहकार मंत्री माननीय श्री दिलीप वळसे पाटीलजी, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री माननीय श्री चंद्रकांतदादा पाटील, कौशल्य रोजगार उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री माननीय श्री मंगलप्रसाद लोढाजी, सहकार भारतीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री दीनानाथजी ठाकूर, राष्ट्रीय महामंत्री उदयजी जोशी, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरु प्राध्यापक रवींद्र कुलकर्णी आणि मुंबई विद्यापीठाचे प्रकुलगुरु प्राचार्य अजय भांबरे,
टाळ्यांच्या गजरामध्ये सर्व मान्यवरांचं आपण सारेजण स्वागत करूया. ही दिवे लागण्याची वेळ आहे, नेमकी याच वेळेला कार्यक्रमाला प्रारंभ होतोय. शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते. मैं अभी आप सब लोगों को आदरपूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी जगह पर भारत के राष्ट्रगीत के सम्मान में खड़े रहें. यानंतर महाराष्ट्र राज्याचं राज्यगीत पोलीस बँड सादर करेल. अब प्रथा के अनुसार हमारे मुंबई विश्वविद्यालय का विद्यापीठ गीत प्रस्तुत होगा. मुंबई विद्यापीठ का विद्यापीठ गीत.
वसंत बापट यांच्या सिद्धहस्त लेखणीमधून अवतरलेलं हे मुंबई विद्यापीठाचं विद्यापीठ गीत होतं. मान्य लक्ष्मणराव जी इनामदार को हम सब सहकारिता से जोड़ लेते हैं. सुश्री मनीषा चव्हाण अब आपके सामने सहकारिता गीत प्रस्तुत करेंगी. आइए. सहकार गीत. समाज है आराध्य हमारा, सेवा है आराधना. भारत माता के वैभव हित सहकारिता की साधना, सहकारिता की साधना. समाज से ही संस्कृत की यह श्रेष्ठ धरोहर हमें मिली. ज्ञान समर्थ ज्ञान की पूंजी समाज से ही हमें मिली. यह समाज ऋण पूर्ण चुकाने जो पाया सो बांटना. भारत माता के वैभव हित सहकारिता की साधना, सहकारिता की साधना. जय सरकार. सहकाराच्या मंत्रामुळेच आपण सारेजण आपला विकासाकडे जाऊ शकतो. पश्चिम सागर की इस विशाल तट पर स्थापित इस सुंदर मुंबई महानगरी में आप सभी महानुभावों का स्नेहादर पूर्वक स्वागत. आज के इस महत्वपूर्ण व्याख्यान के अवसर पर इस ऐतिहासिक कावज्य जहांगीर दीक्षांत सभागृह में उपस्थित महनीय व्यक्तियों का हम सब स्वागत और सम्मान करेंगे. मैं मुंबई विश्वविद्यालय के कुलपति प्राध्यापक रविंद्र कुलकर्णी जी को अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप आज के प्रमुख अतिथि और भारत के गृह मंत्री तथा पहले सहकारिता मंत्री, पोलादी और फिर भी रुजू व्यक्तित्व के धनी आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी का स्वागत और सम्मान करें. सर, आपला स्वागत करत असताना आम्हाला सर्वांना अतीव आनंद होतो आहे. राजा भाई टॉवर हे मुंबई विद्यापीठाचं प्रतीक आहे. यानंतर मी कुलगुरु महोदयांना विनंती करतो की आप आदरणीय राज्यपाल और मुंबई विश्वविद्यालय के कुलाधिपती आदरणीय श्री रमेश भाई जी का स्वागत और सम्मान करें. यानंतर आदरणीय कुलगुरु महोदयांना विनंती आहे की आपण महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री एकनाथजी शिंदे यांचं स्वागत आणि सन्मान करावा. सर, मुंबई विद्यापीठामध्ये आपलं आदरपूर्वक स्वागत. यानंतर विधानसभेचे अध्यक्ष आदरणीय राहुल नार्वेकर जी आहेत, त्यांचं स्वागत सरांनी करावं अशी त्यांना विनंती आहे. टाळ्यांचा कडकडाट आकाशापर्यंत पोहोचायला काही हरकत नाही आहे आपला. यानंतर मी आदरणीय कुलगुरूंना विनंती करतो की आपण महाराष्ट्र राज्याचे महाराष्ट्र राज्याचे सहकार मंत्री माननीय श्री दिलीप वळसे पाटील यांचं स्वागत आणि सन्मान करावा. सर, आपल्याला यानंतर विनंती आहे की आपण उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री आदरणीय श्री चंद्रकांत दादा पाटील यांचं स्वागत सन्मान करावा. राजाभाई टॉवर हे एक प्रकारे ज्ञानाचं प्रतीक आहे. यानंतर सरांना मी विनंती करणार आहे की आपण कौशल्य रोजगार उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री माननीय श्री मंगलप्रसाद जी लोढा यांचं स्वागत आणि सन्मान करावा. व्यासपीठावर सहकार भारतीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री दीनानाथ जी ठाकूर उपस्थित आहेत, त्यांचं स्वागत व सन्मान कुलगुरु महोदयांनी करावा अशी त्यांना मी विनंती करतो.
व्यासपीठावर सहकार भारतीचे राष्ट्रीय महामंत्री श्री उदयजी जोशी आहेत, त्यांचं स्वागत सरांनी करावं अशी त्यांना विनंती आहे. काय की दिग्गजांनी हे कावजी जहांगीर दीक्षांत सभागृह फुलून गेलेलं आहे आणि त्यांचं स्वागत करत असताना आम्हाला सर्वांना अतीव आनंद होतो आहे. या ऐतिहासिक दीक्षांत सभागृहामध्ये सर्व महानुभावांचं स्वागत केल्यानंतर शब्दसुमनाने मी इथे उपस्थित असलेल्या सर्वांचं प्रेमादरपूर्वक स्वागत करतो. और अब समय है कि भारत के आधुनिक शिक्षा की गंगोत्री माने जाने वाले हमारे मुंबई विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्राध्यापक रविंद्र जी कुलकर्णी, इनको आपसे स्वागत पर भाषण करने की, प्रस्तुत करने की मैं विनंती करता हूँ. नमस्कार. मुंबई विश्वविद्यालय एवं सहकार भारती द्वारा संयुक्त रूप में आयोजित किए हुए माननीय लक्ष्मण राव इनामदार स्मृति व्याख्यान के विशेष व्याख्याता और भारत सरकार के गृह तथा सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, समारोह के अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सन्माननीय रमेश बैस जी, महाराष्ट्र राज्य के सन्माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, सन्माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर जी, मंच पर विराजमान महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री श्री दिलीप वळसे पाटील जी, उच्च व तंत्रज्ञान शिक्षा मंत्री श्री चंद्रकांत दादा पाटील जी, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप श्री मंगल प्रसाद लोढ़ा जी, सहकार भारती के अध्यक्ष श्री दीनानाथ ठाकुर जी और उदय जोशी जी, मेरे सहकारी प्रो वाइस चांसलर अजय भामरे जी एवं इस ऐतिहासिक दीक्षांत सभागृह में उपस्थित सभी महानुभावों को मैं मुंबई विश्वविद्यालय के विशाल परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और नमन करता हूँ. सूर्योदय हो, आज का ऐतिहासिक दिवस है. बिना संस्कार नहीं सहकार, यह भूमिका को अपने मन में रखकर सहकारिता को पूरे देश में एक यशस्वी रूप में ले जाने वाले माननीय लक्ष्मण राव इनामदार जी को हम सब सहकारिता क्षेत्र के अग्रगण्य कार्यकर्ता एवं नेता के रूप में जानते हैं. आणि हा आनंदाचा भाग आहे की आपल्या मुंबई विद्यालयाच्या परिसरात भारताचे गृहमंत्री व पहिले सहकारिता मंत्री श्री अमितभाईजी शहा दुसऱ्या माननीय लक्ष्मणराव इनामदार स्मृती व्याख्यानाच्या निमित्ताने आपल्या ऐतिहासिक दीक्षांत सभागृहात आलेले आहेत. या व्याख्यानमालेचे पहिले पुष्प भारताचे तत्कालीन उपराष्ट्रपती माननीय व्यंकय्या नायडूजी यांनी गुंफले होते आणि आज आदरणीय अमितभाई शहा द्वितीय पुष्प गुंफणार आहेत. आपण सगळेच जाणतो आहोत की आदरणीय गृहमंत्री महोदय एक अत्यंत कणखर, निष्ठावान, दीर्घसूत्री, कल्पक आणि कुशल व्यक्तिमत्व आहे. सर, वी आर व्हेरी मच ईगर अँड एक्साइटेड टू लिसन युअर की नोट ॲड्रेस ऑन कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट्स. मैं समारोह की अध्यक्षता करने के लिए माननीय कुलाधिपती श्री रमेशभाई बैस तथा सन्माननीय मुख्यमंत्री, उपमंत्रीगण, विधानसभा अध्यक्ष एवं सहकार भारती के विशेष उपस्थिति का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ. Mahode, on this occasion, let me brief about University of Mumbai, which is one of the three oldest universities, having a legacy of 166 years of academic and research excellence. Tab se lekar, aaj tak is Vishwavidyalaya ne Bharat ke samajik, rajkiya, sanskritik, arthik, tatha darshanik pragati mein apni aham bhumika nibhai hai, tatha samaj ke baudhik aur naitik bhandar ke roop mein apni ek pehchan banayi hai. Vishwavidyalaya mein kahi Bharat Ratna Puraskar vijeta, और अनेक पद्म पुरस्कार विजेता महानुभावों ने अपनी शिक्षा प्राप्त की है. हमारे पूर्व छात्रों की सूची कानून, राजनीति, संशोधन, उद्योग, सिनेमा, क्रीड़ा आदि विविध क्षेत्रों में फैले सम्मान का एक वास्तविक उदाहरण है. इसमें लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, स्वातंत्र्य वीर सावरकर, कॉर्नेलिया सोराबजी, महामहोपाध्याय कान्हेजी, दादासाहेब फाळके, होमी भाभा, जमशेदजी टाटा, मुकेश अंबानी आदि महानुभावों का नाम समाविष्ट है. ये सुप्रतिष्ठापूर्व छात्र देश के बौद्धिक, सांस्कृतिक, क्रीड़ा और वैज्ञानिक महाशक्ति के रूप में विश्वविद्यालय के विविध उपलब्धियों की पुष्टि करती है. विश्वविद्यालय में देर आर 56 एकेडमिक डिपार्टमेंट, 15 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस, 74 एफिलेटेड कॉलेज, 3 सब कैंपसेस एंड 2 मॉडल कॉलेज. सम ऑफ द डिपार्टमेंट्स have already a legacy of 100 years of existence in terms of an academic excellence. Hamari yaha Mahatma Gandhi Peace Center, Dr. Baba Saheb Ambedkar International Research Center, Lokmanya Tilak and Sahitya Ratna Annabhau Sathe Center of Studies,
प्रोफेसर बायोप्टी सेंटर ऑफ स्टडीज फॉर स्टूडेंट्स एंड यूथ मूवमेंट सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन मरीन स्टडीज इंटरनेशनल रिलेशंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज ऐसे बहुत सेंटर्स है जिसकी वजह से छात्र अपनी प्रगति की परंपरा और आधुनिकता से जोड़ सकते हैं। मैं यह विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा भारत को नई दिशा देने वाली और विश्वगुरु के नाते का सपना प्रस्थापित करने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक्टिव इम्प्लीमेंटेशन मुंबई विश्वविद्यालय ने करके अपनी जिम्मेदारी अग्रक्रम से निभाई है। ऑनरेबल सर, टीचिंग लर्निंग रिसर्च कंसल्टेंसी एंड इनोवेशन आर अवर स्ट्रेंथ्स एंड वी स्ट्राइव टू नरिश देम टू कीप देम कंटेम्पररी इफेक्टिव एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ आवर नेशन। मुंबई विश्वविद्यालय विश्व स्तरीय सुविधाएं बनाने और बनाए रखने और सामाजिक आवश्यकताएं एज वेल एज सोशल इंक्लूसिवनेस को ध्यान में रखते हुए मानव समझ के अग्रणी श्रेणी में ज्ञान नॉलेज क्रिएशन के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में विश्वविद्यालय को नैक द्वारा 3.65 CGPA विथ AA+ ग्रेड प्रदान किया गया है विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कोर इन द नेशन। वर्ल्ड रैंकिंग में भी हम लोग काफ़ी अच्छी पहचान कर चुके हैं। 751 टू 760 है हमारी रैंकिंग है। आखिरी में सबको साथ लेकर विकास की ओर चलने वाला यह मुंबई विश्वविद्यालय माननीय कुलाधिपति सन्माननीय रमेश बैस जी तथा गतिमान महाराष्ट्र शासन के संपूर्ण मार्गदर्शन में एक सटीक और सही दिशा में मार्गक्रमण कर रहा है। आज का द्वितीय माननीय लक्ष्मणराव इनामदार व्याख्यान सहकारिता से प्रगति की और ले जाने वाला पथदीप रहेगा, इसका मुझे संपूर्ण विश्वास है। मैं फिर आप सभी महानुभावों का आस्थापूर्वक स्वागत और नमन करता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर, मनापासून धन्यवाद। नाउ आई लाइक टू इन्वाइट ऑनरेबल श्री उदयजी जोशी द नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑफ सहकार भारती टू पुट फॉर्थ हिज थॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। उदय जोशी जी। मंच पर विराजमान महाराष्ट्र के राज्यपाल और इस मुंबई विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री रमेश बैस जी, देश के प्रथम सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर श्री राहुल नार्वेकर जी, सहकारिता मंत्री महाराष्ट्र के श्री दिलीप वळसे पाटील जी, कौशल विकास मंत्री श्रीमान मंगल प्रसाद लोढ़ा जी, उच्च शिक्षण मंत्री श्रीमान चंद्रकांत पाटील और सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दीनानाथ ठाकुर तथा इस गरिमामय दीक्षांत सभागार में उपस्थित महानुभाव, ये मेरा सौभाग्य है कि श्रद्धेय लक्ष्मणराव इनामदार, जो सहकार भारती के प्रेरणा पुरुष थे, उनके स्मृति प्रीत्यर्थ 1985 में उनका शरीर शांत होने के पश्चात कुछ वर्षों के बाद मुंबई विद्यापीठ में लक्ष्मणराव इनामदार जी के नाम से एक चेयर का गठन सहकार भारती ने किया। थोड़ा मैं करेक्शन करना चाहूँगा कि इस अध्यासन में सबसे पहला व्याख्यान श्रीमान दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का हुआ था। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का एक बहुत गरिमामय भाषण इस प्रसंग में हुआ था। जिन महानुभाव के नाम से ये अध्यासन यहां पर गठित है वो सहकार भारती के प्रेरणा पुरुष थे। वास्तविकता ये है कि जिसको हम सहकार महर्षि कहते हैं, ऐसे सहकार महर्षि के रूप में लक्ष्मणराव इनामदार तथा वकील साहब उन्होंने कभी काम नहीं किया, लेकिन वो एक तत्वचिंतक थे, फिलोसोफर थे और उन्होंने सहकारिता की क्षमता को पहचाना। और सहकारिता की क्षमता कैसी हो सकती है, तो समाज के दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, निर्धन, असंगठित, ऐसे सारे समाज वर्गों का अगर स्थायी आर्थिक विकास करना है तो केवल और केवल सहकारिता के माध्यम से ही ये हो सकता है, ये उन्होंने पहचान लिया और इसी तत्व चिंतन के आधार पर सहकार भारती की स्थापना की।
उनकी अपेक्षा थी कि सहकार भारती ने सहकारिता क्षेत्र में फ्रेंड गाइड फिलोसोफर के रूप में काम करना चाहिए। इसके अलावा उनकी यह भी अपेक्षा थी कि सहकार भारती ने सहकारी समितियों के सभासदों के लिए प्रशिक्षण की खास व्यवस्था करनी चाहिए। उनका यह मानना था कि जिस सहकारी समिति में उस सहकारी समिति के मेंबर्स सभासद अगर जागरूक रहेंगे तो किसी भी प्रकार की सहकारी समिति बहुत सुचारू रूप से चल सकती है। इसलिए उन्होंने नारा दिया था कि जागरूक सभासद और सबल सहकार, ये होना चाहिए। उसी पद्धति ने लक्ष्मण राव जी का एक आग्रह था कि सभासदों को प्रशिक्षण और उनके क्षमता विकास के लिए प्रयास करने का काम भी सहकार भारती ने आगे चलकर करना चाहिए। प्रशिक्षण इस विषय पर माननीय लक्ष्मणराव इनामदार जी ने बहुत आग्रह किया था और मैं ये मानता हूँ कि इसके फलस्वरूप 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब अपने देश में पारित हुआ तब सहकारी समिति ने अपने सभासदों को प्रशिक्षण देना चाहिए, इस प्रकार की एक बात आ गई और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने जो सहकारिता के तत्व स्वीकार किए उसमें प्रशिक्षण का भी उल्लेख उसमें आया था। इसी को आधार बनाकर सहकार भारती ने आज की तारीख में 28 प्रदेश और 650 अधिक जिलों में काम करना प्रारंभ किया है। माननीय अमित भाई ने सहकारिता मंत्री बनने के बाद सहकार भारती के साथ एक विचार विमर्श किया था, उसमें एक आग्रह धरा था कि सहकार भारती ने अक्रॉस दी सेक्टर काम करना चाहिए कोऑपरेटिव सेक्टर में। इसी को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक सहकार भारती ने आने वाले समय में 10 प्रकोष्ठों में राष्ट्रीय स्तर के अधिवेशन करने का एक निर्णय लिया है और ये मेरा विश्वास है कि ये सारे अधिवेशनों के माध्यम से कम 30-35 हज़ार सहकारिता क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ते इस अधिवेशन में निश्चित रूप से सम्मिलित होंगे। उसी पद्धति से सहकार भारती ने अपने काम का दायरा बढ़ाने के लिए फेडरल इलेक्शंस में भी हिस्सा लेने का निर्णय लिया है और उस पद्धति से काम शुरू किया है। मैं ये मानता हूँ कि श्री अमित भाई सहकारिता मंत्री बनने के बाद सहकारिता क्षेत्र में एक नई चेतना आई है, नई ऊर्जा प्राप्त हुई है। सरकार ने, खास करके कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने, सहकारिता के और सहकारिता क्षेत्र के विविध विकास योजनाओं के लिए बहुत सारे प्रयास करने का निर्णय लिया है, जिसका उल्लेख अमित भाई अपने उद्बोधन में करेंगे, उसमें मैं ज़्यादा समय व्यस्त नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन इस मुंबई यूनिवर्सिटी के गरिमामय सभागार में लक्ष्मण राव इनामदार स्मृति व्याख्यान देने के लिए अमित भाई ने आज समय दिया और अपने व्यस्त कार्यक्रम में इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने का निर्णय लिया और हम सबको अभी आगे जाकर वो उद्बोधन करने वाले हैं। इसके लिए मैं सहकार भारती की तरफ से और मुंबई विश्वविद्यालय की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद सर, मनापासून धन्यवाद। यानंतर मी महाराष्ट्र राज्याचे तडफदार मुख्यमंत्री आदरणीय श्री एकनाथजी शिंदे यांना विचार विनंती करतो की आपण आपले विचार प्रस्तुत करावेत। गणपतीचे दिवस आहेत, गणपती बाप्पाचं जोरदार आगमन झालंय आणि खास करून आपल्या देशाचे कणखर गृहमंत्री, फौलादी इरादे रखनेवाले गृहमंत्री, त्यांनी देखील गणपती राजाचं लालबागचं दर्शन घ्यायला ते आले, त्याबद्दल मी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो। आणि गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती। आज माननीय लक्ष्मणराव इनामदार स्मृती व्याख्यानाला उपस्थित
आदरणीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित भाई शाह साहेब, आपले महामहिम राज्यपाल रमेश बैजी, आपले अध्यक्ष विधानसभा राहुल नार्वेकर जी, मंत्रिमंडळातील आमचे सर्व सहकारी मंत्री आणि कुलपती मुंबई विद्यापीठ रवींद्र कुलकर्णी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सहकार भारती दीनानाथ ठाकूर जी, महामंत्री उदय जोशी जी, व्यासपीठावरील सर्व सन्माननीय मान्यवर, उपस्थित सर्व लोकप्रतिनिधी आणि विद्यापीठाचे सर्व बांधव भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने सहकार भारती या संस्थेचे प्रणेते आणि संस्थापक लक्ष्मणराव इनामदार यांच्या 106व्या जयंतीनिमित्त मी त्यांना आदरपूर्वक वंदन करतो, विनम्र अभिवादन करतो. खरं म्हणजे लक्ष्मणराव हे खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील एक आंतरिक दुवा, म्हणजे एक दुसऱ्याच्यामध्ये एक समन्वयक म्हणून त्यांनी काम केलं. आणि याचाही मला अभिमान आहे की साताऱ्यामध्ये, साताऱ्याच्या मातीत लक्ष्मणराव इनामदारांसारख्या श्रेष्ठ व्यक्ती जन्माला आल्या. आणि इनामदारांचं पूर्वज महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या सेवेत होते आणि म्हणून त्या काळामध्ये इनामदारी देखील त्यांना मिळाली. खरं म्हणजे पूर्वजांची ही राष्ट्रसेवेची परंपरा लक्ष्मणरावांनी अधिक व्यापक स्तरावर नेली. मला आठवतं आहे आपल्या सरकारने देखील जी हे कटापूर पाणीपुरवठा योजना, त्याला नाव देखील आपण लक्ष्मणराव इनामदार यांचं दिलं, जी जवळपास 80,000 हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणणार आहे. आणि म्हणून आज मोठ्या प्रमाणावर त्यांचं जे काम आहे आणि महाराष्ट्रात जन्माला आलेल्या लक्ष्मणरावांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने 1952 साली प्रांत प्रचारक म्हणून गुजरातमध्ये पाठवलं, तेव्हापासून ते गुजरात आणि महाराष्ट्रामध्ये सेतू म्हणून काम करू लागले. लक्ष्मणराव हे संघ परिवारात त्यांना तात्या म्हणून ओळखत होते आणि लोक त्यांना आवडीने याचं संबोधन करायचे तात्या म्हणून. आणि म्हणून सहकार चळवळ हा सुद्धा एक समान धागा महाराष्ट्र आणि गुजरात यांच्यामध्ये आहे. गुजरातमध्ये संघाच्या विचारातून सहकाराचा पाया घालण्यात तात्यासाहेबांचं मोठं योगदान होतं. सहकार भारतीची स्थापना केल्यावर त्यांनी बिना सहकार बिना संस्कार नाही सहकार असं जे काही ध्येयाने कार्य करून सेवाभावी सहकारी कार्यकर्त्यांची एक फळी निर्माण केली. आणि त्यांचं काम जे आहे खऱ्या अर्थाने वाखाणण्यासारखं आहे. त्यांनी सहकार चळवळ अगदी तळागाळापर्यंत रुजवण्याचं काम केलं. त्या काळाचं त्यांचं म्हणजे मोदी मला चंद्रकांतदादा सांगत होते, हो आपले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजींना देखील त्यांनी मार्गदर्शन केलं, त्यांना देखील ते गुरु समान होते आणि आपल्या अमित भाईंना देखील ते गुरु समान होते. आणि म्हणून आज खऱ्या अर्थाने लक्ष्मणराव इनामदार यांच्या स्मृतीनिमित्त व्याख्यान देण्यासाठी एक गुरुला शिष्याची एक आगळी वेगळी आदरांजली आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. आणि म्हणून मी एवढंच सांगेन की मन की बातच्या माध्यमातून देखील संवाद साधताना आदरणीय मोदी साहेबांनी लक्ष्मणराव इनामदार यांच्या नावाचा उल्लेख आपले मार्गदर्शक म्हणून केला होता हे देखील आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे. 1960च्या दशकाच्या सुरुवातीला मोदीजी पहिल्यांदा जेव्हा इनामदार यांना भेटले तेव्हा इनामदार हे गुजरातमधल्या तरुणांना RSSच्या शाखेत सहभागी होण्यासाठी प्रेरित करत होते. एक असं त्यांचं फार मोठं काम आहे. आणि पहिल्यांदाच त्यांचं जे भाषण मोदीजींवर प्रभाव टाकून जाणारं होतं असे हे लक्ष्मणराव इनामदार आज त्यांचं या ठिकाणी व्याख्यान त्यांच्या कार्याचं होतं आहे. आणि म्हणून एक सामाजिक मुद्द्यांवर पकड आणि कडक शिस्त आणि सतत काम करण्याची क्षमता मोदीजींनी इनामदार यांच्याकडून शिकले असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. आणि
सहकार चळवळीतल्या विविध घटकांचा आपापसामध्ये सुसंवाद निर्माण होऊन त्यांना एक समान व्यासपीठ मिळावं, त्याचा अधिकाधिक प्रसार व्हावा, सर्वसामान्य लोकांना त्याचा फायदा व्हावा यासाठी इनामदार यांनी सहकार भारती संस्था निर्माण केली. आणि अगदी पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन अनेक दिग्गज नेत्यांनी या संस्थेत योगदान दिलेलं आहे. आजचा हा योगायोग फार महत्त्वपूर्ण आहे. पंतप्रधानांच्या गुरूंची जयंती आणि आपल्या पंतप्रधानांची जणू म्हणजे अमितभाई सावलीच आहेत आणि तेही त्यांना गुरु समान मानत होते. अशा अमितभाईंच्या माध्यमातून आज त्यांच्या आठवणींना उजाळा मिळणार आहे आणि खऱ्या अर्थाने हे मोठं काम आहे. आणि ज्या सहकारी चळवळीत लक्ष्मणरावांनी मोठं काम केलं त्या सहकारी चळवळीला महाराष्ट्रातही मोठं यश मिळालं. आणि त्या खात्याची धुरा म्हणजे सहकार खातं सुरू झालं आणि त्याची धुरा देखील अमितभाई सांभाळत आहेत हे देखील आपल्यासाठी खूप अभिमानाची बाब आहे. मी एकच फक्त लक्षात आणून देतो, जेव्हा आपल्या राज्यातलं सहकार खातं अडचणीत आलं होतं, आम्ही सगळेजण गेलो होतो, देवेंद्रजींनी आम्ही काही मंत्री होतो सोबत आमच्या, आणि अमितभाईंना सांगितलं ऐसा ऐसा हुआ आहे आणि त्यांनी तात्काळ आपल्याला, मी सांगतो, सहकार क्षेत्राला अडचणीत बाहेर काढण्यासाठी 10,000 कोटींचं इन्कम टॅक्स माफ करण्याचं सवलत देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. आणि म्हणूनच मी मगाशी म्हटलं की एक कणखर नेता आणि वज्र निर्धार असलेला नेता म्हणून आपण अमितभाईंकडे पाहतो. मला तसा त्यांचा जास्ती अनुभव आहे कारण मी जे काय राज्यामध्ये वर्षभरापूर्वी जे काय क्रांती झाली त्यामुळे त्यांचा अनुभव मला त्यांच्यापासून जास्तीचा आहे. एकदा शब्द दिला की शब्द दिला. आणि म्हणून मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. खरं म्हणजे ते फक्त पक्षाचे नेते किंवा गृहमंत्री किंवा सहकार मंत्री नाही आहेत, तर त्यांनी ते एक उत्कृष्ट वाचक आहेत, महाराष्ट्राच्या इतिहासाचे ते अभ्यासक आहेत, ते स्वतः कवी आणि लेखकही आहेत. आता कधी ते वेळ काढतात हे सगळ्यांना काही माहीत नाही. मला अनेक लोक विचारतात की अमितभाई स्वतः कवी आहे. आता मी जेव्हा जेव्हा त्यांना भेटलो तेव्हा तेव्हा ते म्हणजे 12, 1, 2, 3 पहाटेचे सगळ्या वेळा होत्या, त्यामुळे हे सगळं गुलदस्त्यातलं आहे. पण मी एवढंच सांगतो की इतिहास फक्त वाचायचा नसतो, इतिहास फक्त अभ्यासायचा नसतो, तर इतिहास घडवायचा असतो यावर अमितभाईंचा पक्का विश्वास आहे. आणि म्हणून मोदीजींच्या प्रेरणेतून त्यांनी काश्मीरमधलं 370 कलम हटवण्याचं हिंमत त्यांनी करून दाखवली. आणि मी आपल्याला सांगतो, मी गेल्या आठवड्यामध्ये श्रीनगरला गेलो होतो आणि लाल चौक हा अतिशय म्हणजे मिलिटन्सी म्हणजे लाल चौक, कुठून कधी गोळी येईल आणि काय होईल माहीत नाही, पण त्या लाल चौकामध्ये आपल्या लोकांनी गणपती उत्सव साजरा केला, मी त्याचं दर्शन घ्यायला गेलो. आणि हे केवळ आणि केवळ मोदींच्या मार्गदर्शनाखाली अमितभाईंनी ते करून दाखवलं. एक चांगलं वातावरण तिकडे आपण पाहतोय. आणि म्हणून मी एवढंच सांगतो की एक आपल्या देशातली खडानखडा माहिती असलेले आपले गृहमंत्री सहकार मंत्री आज आपल्या या कार्यक्रमामध्ये आहेत आणि त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचाच एक आनंदाचा दिवस आहे. आणि म्हणून अविरत काम करणारा, सतत देशाचा विचार करणारा गृहमंत्री आपल्याला लाभलेला आहे. त्यांच्या कृतीतून त्यांनी नेहमी ते दाखवून दिलेलं आहे की देशभक्ती आणि राष्ट्रभक्ती काय असते हे त्यांनी प्रत्येक वेळी आपल्या बोलण्यातून आणि कृतीतून दाखवलंय, मी आपल्याला सांगण्याची आवश्यकता नाही. आणि म्हणून आजच्या या लक्ष्मणराव इनामदार स्मृती व्याख्यानाच्या माध्यमातून आपल्याला त्यांना ऐकायचं आहे, म्हणून मी पुन्हा एकदा त्यांचं मनापासून स्वागत करतो, आपल्या सगळ्यांना धन्यवाद देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांना आदरपूर्वक धन्यवाद. आणि आता वेळ आहे ती ज्यांनी सदैव भारताच्या
आणि भारतीय नागरिकांच्या पुनरुत्थानाचा, त्यांच्या कल्याणाचा, त्यांना सुरक्षितता प्रदान करण्याचा ध्यास घेतलेल्या आणि सहकाराच्या क्षेत्राला एक नव्या आयाम देण्याचा प्रयत्न करत असलेल्या आणि आत्ताच मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं त्याप्रमाणे इतिहास घडवण्याची क्षमता असलेल्या आदरणीय श्री अमितभाई शहा यांचे सहकारिता या विषयावरील विचार ऐकण्याची. लेट अस गिव अ बिग राऊंड ऑफ अप्लॉज टू द ऑनरेबल होम मिनिस्टर अँड फर्स्ट एवर कोऑपरेटिव्ह मिनिस्टर श्री अमितभाई शहा. आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल श्रीमान रमेश बैस जी, महाराष्ट्र शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर जी, महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री श्री दिलीप वालसे पाटिल जी, मेरे मित्र और महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी, मुंबई के ही विधायक और महाराष्ट्र के स्किन डेवलपमेंट के और इनोवेशन के मंत्री श्री मंगल प्रताप लोढ़ा जी, कुलपति महोदय डॉक्टर रविंद्र कुलकर्णी जी, सहकार भारती के अध्यक्ष श्री दीनानाथ ठाकुर जी, महामंत्री सहकार भारती डॉक्टर उदय जोशी जी और उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं. आज मेरे लिए एक प्रकार से सौभाग्य का विषय है कि इस देश के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक ऐसे मुंबई विश्वविद्यालय में श्रीमान लक्ष्मणराव इनामदार स्मृति व्याख्यान में मैं सहकारिता विषय पर आप सब के साथ बात करने के लिए आया हूं. सबसे पहले तो मैं मुंबई यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि यहां पर लक्ष्मण राव जी के नाम से एक पीठ स्थापित की गई है जो उनके काम को और विचारों को इस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के माध्यम से युगों तक आगे ले जाने का काम करेगी. मैंने वकील साहब के साथ बहुत काम नहीं किया है क्योंकि मैं जब कार्यकर्ता बना तब उनका कार्यक्षेत्र गुजरात के बाहर क्षेत्रीय कार्यक्षेत्र हो चुका था और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी. परंतु मैं गुजरात से आता हूं, अनेक कार्यकर्ताओं को जानता हूं जिन्होंने सालों तक लक्ष्मण राव इनामदार के साथ काम किया है, वकील साहब के साथ काम किया है. एक बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता ने इनके लिए एक शब्द प्रयोग किया था कि लक्ष्मण राव जी पारस मणि जैसे होते थे, सिर्फ लोहे के पास जाकर उसको स्पर्श करना होता था, सोने जैसा कार्यकर्ता बनकर वो अपने आप ही बाहर आता. महाराष्ट्र में जन्मे, गुजरात को कर्मभूमि बनाया, पूरा जीवन गुजरात के हर तहसील, हर गांव के अंदर, छोटे छोटे कस्बों के अंदर युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने, कई क्षेत्रों के कई बड़े नेता और कार्यकर्ताओं का सृजन करने का सौभाग्य लक्ष्मण राव इनामदार जी को मिला. गुजरात के सार्वजनिक जीवन में जो सुचिता आज हम देख रहे हैं, उनके घड़े हुए, उनके तैयार किए हुए
अनेकानेक कार्यकर्ताओं ने उनके दिए संस्कारों के आधार पर गुजरात के सार्वजनिक जीवन को महिमा मंडित करने का काम किया है। और इसीलिए मैं मानता हूं, मैं तो गुजरात से ही आता हूं, गुजरात का सार्वजनिक जीवन आज सुचिता से युक्त है। इसमें वकील साहब का बहुत बड़ा भारी योगदान है, इसको कोई नकार नहीं सकता। जब उनको सहकारिता क्षेत्र का काम दिया गया, सहकार भारती की स्थापना हुई, उस वक्त उनका सहकारिता से कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं था। देश भर के सहकारिता क्षेत्र के प्रमुख नेताओं में आज लक्ष्मण राव जी को सभी लोग आदर के साथ याद करते हैं, मगर सभी नेताओं में स्वयं लक्ष्मण राव अकेले एक ऐसा नेता थे जो किसी भी सहकारिता समिति के ना सदस्य थे ना पदाधिकारी थे, फिर भी सहकारिता क्षेत्र में उनका योगदान बहुत बड़ा था। एक भी सहकारिता समिति में वो सदस्य नहीं थे, एक भी सहकारिता समिति में वो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे, मगर सहकार का तत्व, सहकार के सिद्धांत और सहकार के क्षेत्र के अंदर जो व्याप्त बुराइयां हैं उसको, सत्व को जागृत करते हुए किस तरह से दूर करना, इसके लिए अंतिम सांस तक सरकार भारती के मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने काम किया। और इसका ही नतीजा है कि आज सहकार भारती एक अलग आयाम के साथ यहाँ खड़ी हुई दिखाई पड़ती है। वकील साहब वैसे तो पुणे के पास के खटाव गांव में जन्मे, पढ़ाई लिखाई भी महाराष्ट्र में ही हुई, मगर कोई व्यक्ति निस्वार्थ जीवन कैसे जी सकता है और जीता है तो किस प्रकार की सुगंध की निर्मिति करता है उसको देखना है तो आप गुजरात में चले जाइए और सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों से वकील साहब के बारे में पूछिए तो वो बताएंगे कि वकील साहब का योगदान कितना बड़ा है। उन्होंने अनेक लोगों के जीवन में जीवन का उद्देश्य भी दिया, उद्देश्य को प्राप्त करने का हौसला भी दिया और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सच्ची राह से कभी भी चलित नहीं होने का साहस भी लक्ष्मण राव इनामदार ने दिया। और इसके कारण ही वकील साहब आज मेरे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ता के लिए न केवल श्रद्धेय हैं, इनके जीवन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं आज इस अवसर पर मनपूर्वक वकील साहब के सहकारिता क्षेत्र में और वकील साहब के कार्यकर्ता घड़ने में, जो सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ताओं को घड़ने में जो योगदान रहा है, इसको मनपूर्वक प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज यहां पर मुझे बताया गया कि बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए बहुत सारे अग्रणी लोग यहां पर उपस्थित है, शिक्षाविद भी है, नीति निर्धारण करने वाले लोग भी हैं। मैं आज यहां पर सहकारिता के बारे में बात करने आया हूं। भारत में सहकारिता आंदोलन कोई नया नहीं है, ४९०४ से ही भारत में सहकारिता आंदोलन, इससे भी पुराना है, मगर कानूनी स्वरूप उसका 1904 से आया। देखते देखते महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य भारत, तमिलनाडु और बंगाल में सहकारिता आंदोलन फैलने लगा। काफी हद तक आजादी के बाद शुरुआत के समय में सहकारिता आंदोलन ने एक बीच का मॉडल देने का प्रयास किया,
एक ठेठ राइटिस्ट मॉडल था, कैपिटलिस्ट मॉडल था और एक सोशलिस्ट मॉडल था। इसके बीच में एक मॉडल देने का बहुत अच्छा प्रयास सहकारिता ने किया। ये जो दो मॉडल थे, सोशलिस्ट मॉडल और कैपिटलिस्ट मॉडल, उसमें स्टेट और मार्केट की कल्पना थी, सहकारिता मॉडल के अंदर कोऑपरेशन की और सबके भले की कल्पना लेकर आगे बढ़ने का विचार था। शुरुआत के दिनों में महाराष्ट्र के विखे पाटिल, धनंजय राव गाड़गिल, वेंकुट भाई मेहता, त्रिभुवनदास पटेल, ढेर सारे लोगों ने सहकारिता के क्षेत्र को एक नई दिशा और नए संस्कार देने का काम किया और इसके कारण कई प्रकार के उत्कृष्ट मॉडल इस देश के अंदर कोऑपरेटिव के खड़े हुए और विशेषकर ग्रामीण विकास और कृषि विकास का एक बहुत बड़ा जरिया सहकारिता क्षेत्र बना। परंतु 1960 और विशेषकर 1967 के बाद सहकारिता क्षेत्र के अंदर राजनीतिक दखल बढ़ने लगी और धीरे 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 देश के अर्थतंत्र को भी एक अलग प्रकार के झटके भी लगे, झुकाव भी आया और इसके कारण सहकारिता आंदोलन की बड़ी क्षति हुई। और सहकारिता आंदोलन आज भी हम देखते हैं कि कई ऐसे बड़े संस्थान जो दुनिया की सबसे अच्छी ब्रांड मानी जाती है, ऐसे संस्थान सहकारिता के मॉडल पर चलते हैं। आप, मैं इस सभागार में कहूंगा तो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा कि हमारे यहाँ श्वेत क्रांति का सहकार का जो मॉडल श्री त्रिभुवन भाई पटेल ने 100 रुपये की पूंजी से और 12 बहनों के साथ शुरू किया था, वो मॉडल आज 36 लाख बहनों को जोड़कर, 20,000 से ज्यादा कोऑपरेटिव्स को जोड़कर सालाना 60,000 करोड़ का व्यापार करता है और मुनाफा पूरा का पूरा वो बहन के अकाउंट में जाता है। 60,000 करोड़ का दूध का व्यापार अमूल के ब्रांड से 36 लाख बहनें करती है और एक भी बहन की पूंजी इसके अंदर 100 रुपये से ज्यादा नहीं लगी है। विश्व भर में ऐसा उदाहरण शायद ही मिलेगा कि 100 रुपये की पूंजी से कोई बहन लाखों रुपये का दूध बेचकर अपना घर चलाने का काम कर रही है। गुजरात की समृद्धि में और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की समृद्धि में एक कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इपको, क्रिपको, शुरुआती दिनों में लिज्जत पापड़, लगभग 40,000 बहनों ने लिज्जत पापड़ बनाए और 130 देश के लोगों ने इसको खाए भी। एक कोऑपरेटिव मॉडल की ताकत थी कि 40,000 बहनों तक इसका मुनाफा जाता था। परंतु ये कोऑपरेटिव मॉडल जो हमारे देश के लिए बहुत उपयुक्त था, हमारे देश में आर्थिक विकास तो चाहिए ही चाहिए, साथ में सबके लिए रोजगारी भी चाहिए, मास प्रोडक्शन चाहिए और प्रोडक्शन बाय मासिस भी चाहिए। मास प्रोडक्शन से देश के अर्थतंत्र को गति मिलेगी और प्रोडक्शन बाय मासिस से देश के हर व्यक्ति को रोजगारी मिलेगी, हर व्यक्ति को अपना जीवन निर्वाह करने का जरिया बनेगा। तो सहकारिता क्षेत्र और देश का अर्थतंत्र के अंदर बाकी सारे माध्यमों से आगे बढ़ने की ललक, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही भारत को आगे बढ़ा सकता है। और सहकारिता का मॉडल मानव केंद्रित मॉडल है। मित्रों, आज देश में 30 करोड़ सदस्यों के साथ 8.5 लाख कोऑपरेटिव समितियां हैं, 93,000 पैक्स हैं, 2 लाख दुग्ध समिति है और इपको, क्रिपको, अमूल, ढेर सारी
ऐसी सहकारी संस्थाएं हैं जिन्होंने समग्र विश्व के अंदर नाम प्राप्त किया है। हमारे 12 कोऑपरेटिव बैंक्स 300 स्थान रखते हैं। अभी अभी एकनाथ जी ने जिक्र किया कि मोदी जी ने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को कृषि डिपार्टमेंट से अलग करकर एक स्वतंत्र विभाग बनाया। बहुत सारे लोग ऐसा मानते थे कि अब कोऑपरेटिव कालबाह्य हो गया है, इरिलेवेंट हो गया है, परंतु उसी समय मोदी जी ने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को अलग डिपार्टमेंट बनाकर कोऑपरेटिव मूवमेंट में एक नई जान डालने का काम किया है और फिर से उसको गति देने का काम किया। मैं थोड़ा इसके पीछे की मंशा के बारे में बात करना चाहता हूं। 2014 से 2023 तक नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के 60 करोड़ लोग जो देश के अर्थतंत्र के साथ जुड़े ही नहीं थे, आप कहोगे कि किस तरह की बात भारत सरकार के मंत्री कर रहे हैं, मगर मैं सच बोल रहा हूं, 2014 तक इस देश के 60 करोड़ लोग देश के अर्थतंत्र के साथ जुड़े ही नहीं थे, क्योंकि 60 करोड़ लोगों के पास परिवार में, खुद का छोड़ो, परिवार में एक भी बैंक अकाउंट ही नहीं था। तो एक प्रकार से इनफॉर्मल इकोनॉमी के तहत वो जीते थे, कुछ कमा लेते थे, खर्च कर देते थे, खाते थे, आगे का भगवान जाने। ना इनके जीवन में कोई सुरक्षा थी, ना स्थिरता थी, ना स्वप्न थे। ये 60 करोड़ लोगों को मोदी जी ने 9 साल के अंदर बैंक अकाउंट दिया, खुद का घर दिया, घर में पीने का पानी दिया, घर में बिजली दी, घर में गैस दिया, घर में शौचालय दिया, हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज प्रति माह मुफ्त देकर उसको खाने की चिंता से मुक्त कर दिया। ये 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा नरेंद्र मोदी जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। और अचानक ही ये 60 करोड़ लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। पीढ़ियों से जिनका जीवन कल मैं क्या खाऊंगा उसमें बीतता था, आज उसकी खाने की चिंता समाप्त हो गई। उसका जीवन मैं कहां रहूंगा इसमें बीतता था, इसकी रहने की चिंता समाप्त हो गई। उसके घर में गैस बिजली आ गया, शौचालय आ गया, स्वास्थ्य की चिंता भी समाप्त हो गई। अब वो क्या करे? बैंक अकाउंट मिल गया, अर्थतंत्र के साथ जुड़ गया, और ये 60 करोड़ लोग अब देश के विकास के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, योगदान करना चाहते हैं, मगर पूंजी नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, तो योगदान कैसे करेंगे? इनके पास पूंजी नहीं है, परंतु पहले जो खाने पीने में पैसे जाते थे, दवाइयों में पैसे जाते थे, थोड़ा बहुत बच्चों को पढ़ाने में जाते थे, ये सारे पैसे बचकर थोड़ी छोटी सी पूंजी बनी है। वो एक तो देश के विकास में काम करना चाहता है और उसके पास पूंजी नहीं है, फिर भी उसको देश के विकास के साथ जोड़ना है, तो इसका एकमात्र रास्ता सहकारिता क्षेत्र है, कोऑपरेटिव है, इसके माध्यम से ही ये 60 करोड़ लोगों को देश के विकास के साथ जोड़ सकते हैं। सहकारिता क्षेत्र ऐसा है जिसमें बड़ी पूंजी वाले बड़े बड़े उद्योगों की स्पर्धा छोटी पूंजी वाले हजारों लोग इकट्ठा कर सकते हैं और मुनाफा हर व्यक्ति के पास जा सकते। मैंने जैसे पहले कहा, अमूल का मॉडल, किसी भी महिला ने 100 रुपये से ज्यादा नहीं निकाला, मगर 36 लाख महिलाएं हैं और वो मुनाफा करने लगा, तो आज 60,000 करोड़ रुपये का व्यापार वो 100 रुपये की पूंजी से करते हैं। तो 60 करोड़ लोग जो देश के अर्थतंत्र के साथ जुड़े ही नहीं थे, वो 60 करोड़ लोगों को देश के अर्थतंत्र के विकास के अंदर योगदान करना है,
विमेन लेड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है, ग्रामीण विकास को महत्व देकर गांव से शहरों की ओर भागने की गति को कम करना है और हर व्यक्ति को देश के अर्थतंत्र के साथ जोड़ना है, तो कोऑपरेटिव इज द ओनली मॉडल जो छोटे से छोटे व्यक्ति को छोटी पूंजी के साथ देश के विकास में योगदान करने का काम करा सकता है। इसलिए मोदी जी ने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की स्थापना की और आज मैं विश्वास से कह सकता हूं कि ये कम समय के अंदर ढेर सारे परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने कोऑपरेटिव के माध्यम से ग्रामीण अर्थतंत्र और देश के अर्थतंत्र को गति में लाने के लिए किए हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए भी ढेर सारे काम किए, क्योंकि मैं बता देता हूँ ज़्यादातर लोग इसी क्षेत्र से यहाँ पर बैठे हैं, बाद में ग्रामीण क्षेत्र की बात करूँगा। सेटलमेंट का प्रॉब्लम था, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सेटलमेंट नहीं कर सकते थे, हमने इस मुद्दे को रिजर्व बैंक के साथ उठाया और अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को भी सेटलमेंट करने का अधिकार दे दिया गया है। इसके साथ साथ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अब नई शाखाएं भी खोल पाएंगे, बैंक मित्र भी बना पाएंगे, माइक्रो एटीएम भी खोल पाएंगे और व्यक्तिगत आवास रेसिडेंशियल लोन देने की इनकी ऋण की सीमा को भी दो गुना कर दिया गया है। और इसके साथ साथ एमएलआई के रूप में भी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को शामिल कर दिया गया है और कोलेटरल मुक्त लोन देने का रास्ता अब खुल गया है। ढेर सारे क्षेत्र करे, परंतु आमूलचूर परिवर्तन ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हुआ है। हमने तय किया है कि आने वाले 5 सालों में 3 लाख पैक्स नए बनाएंगे और हर पंचायत के अंदर एक पैक्स होगा और ये पैक्स मल्टी डायमेंशनल होंगे। पैक्सी डेयरी का काम करेगा, पैक्सी मछुआरा समिति का काम करेगा, पैक्स पेट्रोल पंप भी चला पाएगा, पैक्स गैस की एजेंसी भी ले पाएगा, पैक्स जल वितरण का भी काम करेगा, पैक्स सस्ती अनाज की दुकान भी चला पाएगा, पैक्स सस्ती दवाइयों की दुकान भी चला पाएगा और पैक्स भंडारण का भी काम करेगा। तो एक समस्या थी कि पैक्स वायबल नहीं रहे थे, पैक्स की ऋण लेने की और ऋण देने की दोनों सीमाओं को तय कर दिया गया था, तो 0.5% 0.25% में पैक्स वायबल नहीं बचे थे। 20 प्रकार की नई गतिविधियां हमने पैक्स के साथ जोड़कर पैक्स को वायबल बनाया। एक मॉडल बायलॉज भारत सरकार ने सभी राज्यों को भेजे और मुझे आनंद है कि 23 राज्यों ने इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स मॉडल बायलॉज को एक्सेप्ट कर लिया है और बाकी जगह भी इसकी समिति बन गई। इसके साथ साथ मल्टी स्टेट ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, देश भर में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को और कुदरती खेती करने वाले प्रोड्यूस को जो ऑर्गेनिक होते हैं इसको खरीदने की और विश्व के बाजार में बड़े ऊंचे दामों से बेचने की व्यवस्था ये जैविक सोसाइटी करेंगे। एक मल्टी स्टेट एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव भी बनाया जो किसानों के दाम को और उत्पादों को एक्सपोर्ट करेगा, इसका पूरा मुनाफा सीधा किसान के पास ट्रांसफर होगा। और एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बीज समिति के लिए भी बनाया, विश्व की सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना भी पैक्स के माध्यम से हम आगे चलाने वाले हैं। इसके साथ साथ सहकारिता यूनिवर्सिटी भी बनाने वाले हैं, जैम के माध्यम से सारे कोऑपरेटिव्स की चीजों को बेचने की भी व्यवस्था की है और 1100 एफपीओ भी नए पैक्स के माध्यम से होंगे, पैक्स अब सीएससी का भी काम कर पाएंगे। सहकारिता क्षेत्र के अंदर
ट्रेनिंग के मॉड्यूल को भी हमने आमूल चूर परिवर्तन किया है और नई बनने वाली सहकारिता यूनिवर्सिटी के साथ इसको जोड़कर, चाहे बैंकिंग हो, चाहे डेयरी इंडस्ट्री हो, चाहे स्टोरेज हो, चाहे मार्केटिंग हो या एग्रीकल्चर फाइनेंस हो, हर क्षेत्र के प्रोफेशनल कोऑपरेटिव कंसेप्ट को समझने वाले प्रोफेसर प्रोफेशनल्स पैदा करने का काम ये हमारी नई सहकारिता यूनिवर्सिटी करेगी। मुझे विश्वास है कि इससे ग्रामीण अर्थतंत्र के अंदर वो जो 60 करोड़ लोग बिखरे हुए देश भर में बैठे हैं, जिनको अब काम भी करना है, इनके स्वप्न भी जागृत हो चुके हैं, खुद भी कमाना चाहता है, देश के अर्थतंत्र में योगदान भी कराना चाहते हैं, ये सभी 60 करोड़ लोगों के लिए देश के अर्थतंत्र में योगदान करने का एक जरिया इसके माध्यम से खड़ा होगा। हमने ढेर सारे सरकारी बदलाव भी किए हैं, इनकम टैक्स के अंदर कोऑपरेटिव और कॉरपोरेट दोनों को एक समान स्तर पर लाने का काम आजादी के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने किया है, टैक्सेशन में एक ही लेवल कर। लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा पुराना डिस्प्यूट और हर साल 3,000 करोड़ की टैक्स की बचत चीनी कोऑपरेटिव मिलों के साथ करने का फैसला भारत सरकार ने किया है। सहकारी समितियों के अधिभार को 12% से घटाकर 7% कर दिया, मैट को 18 से 15.5% कर दिया। मित्रों, आज मैं यहाँ पर आया हूँ तब ये कहने आया हूँ कि कोऑपरेटिव की गतिविधि को अगर हम समय के साथ बदल कर आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी को कोऑपरेटिव क्षेत्र आत्मसात कर आगे बढ़े तो मुझे पूरा विश्वास है आज के समय में भारत जैसे देश में रोजगारी के साथ अर्थतंत्र के विकास का इसके बड़ा और अच्छा तरीका और कोई नहीं है। इसलिए हमने सभी पैक्स को भारत सरकार के खर्चे से कंप्यूटराइज करने का काम किया है, इसका सॉफ्टवेयर और उसका लेगेसी डेटा भी भारत सरकार के खर्चे से कंप्यूटर में डालकर पैक्स को आगे पर कंप्यूटराइज कर चलाने की पूरी व्यवस्था भारत सरकार ने की है। आने वाले दिनों में सहकारिता क्षेत्र के अंदर, कोऑपरेटिव क्षेत्र के अंदर ढेर सारे नए कदम उठाए जाने वाले हैं। मैं आज यहाँ पर जो कोऑपरेटिव क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं इन सभी को यही कहने आया हूँ कि आप गलती से भी ऐसा मानकर मत चलिएगा कि कोऑपरेटिव इरिलेवेंट हो चुका है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कोऑपरेटिव का भविष्य और उज्जवल होने जा रहा है और विश्वास के साथ सहकारिता क्षेत्र ने आगे बढ़ना है और इस देश के 60 करोड़ लोगों को देश के अर्थतंत्र के साथ जोड़ने का पुण्य कार्य हमने करना है। मैं एक बार फिर से मुंबई यूनिवर्सिटी के कुलपति और कुलाधिपति दोनों का हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा कि लक्ष्मण राव इनामदार व्याख्यान माला के अंदर आज मुझे यहाँ कर कोऑपरेटिव आज के संदर्भ में इस विषय पर बोलने का आपने मौका दिया। और फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा कि वकील साहब के नाम पर आपने चेयर प्रस्तापित कर मेरे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को वकील साहब के नाम को आपने श्रद्धांजलि देने का जो प्रयास किया है इससे बहुत उपकृत किया है। तो मैं फिर से एक बार वो कार्यकर्ता समूह की ओर से भी धन्यवाद कर मेरी वाणी को विराम दूंगा। वंदे मातरम। सर, आपने सहकारिता क्षेत्र का मॉडल मानव केंद्रित है ऐसा कहते हुए सहकारिता क्षेत्र का इतिहास कथन करते करते आज के वर्तमान के आधार पर आगे आने वाले सहकारिता क्षेत्र के भविष्य के उज्ज्वल और सुवर्ण युग की प्रस्तावना अपने व्याख्यान से की है। आपने सहकारिता क्षेत्र की तरफ देखने का एक नया आयाम हमें दिया है। सर,
यहाँ उपस्थित हम सब आपके प्रति हृदयपूर्वक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और अब मैं हमारे महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल एवं महाराष्ट्र राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति महामहिम श्री रमेश बैस जी को आदरपूर्वक प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप इस पावन अवसर पर हमें संबोधित करें। मुंबई विश्वविद्यालय और सहकार भारती द्वारा आयोजित माननीय लक्ष्मण राव इनामदार स्मृति व्याख्यान माला में उपस्थित श्री अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, श्री एकनाथ शिंदे जी, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री राहुल नार्वेकर जी, विधानसभा अध्यक्ष श्री दिलीप वलसे पाटिल जी, सहकारिता मंत्री महाराष्ट्र सरकार श्री मंगल प्रसाद लोढ़ा जी, कौशल विकास उद्यमता मंत्री श्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री रविंद्र कुलकर्णी, कुलपति मुंबई विश्वविद्यालय श्री दीनानाथ ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष सहकार भारती प्राचार्य डॉक्टर अजय भामरे जी, प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर उदय जोशी जी, राष्ट्रीय महासचिव सहकार भारती, आमंत्रित देवी और सज्जनों, दो दिन पहले ही हमारी संसद में नारी शक्ति वंदन अभियान विधेयक पारित किया गया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को पूरे महाराष्ट्र की ओर से बधाई देता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज के व्याख्यान के लिए मुंबई पधारे केंद्रीय गृह तथा सहकारिता मंत्री सम्मानित श्री अमित शाह जी का मैं महाराष्ट्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे ज्ञात हुआ है कि गृह मंत्री जी का जन्म मुंबई में हुआ है। जैसा अमित शाह जी ने बताया था कि इनामदार जी महाराष्ट्र में पैदा हुए लेकिन कर्म क्षेत्र गुजरात का था, हमारे गृह मंत्री जी भी महाराष्ट्र में जन्म लिए और कर्म भूमि उनका गुजरात है। यह एक संयोग है। सहकारिता के पथ प्रदर्शक आधार स्तंभ श्री लक्ष्मण राव इनामदार जी के नाम पर शुरू की गई स्मृति व्याख्यान श्रृंखला से जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सर्वप्रथम मैं स्वर्गीय लक्ष्मण राव इनामदार जी को सत सत नमन करता हूँ। लक्ष्मण राव जी का कहना था कि केवल व्यक्ति प्रयासों के जरिए समाज की गरीब और कमजोर वर्गों की मुक्ति संभव नहीं है। समाज में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए पारस्परिक रूप से मिलजुल कर प्रयास करने की आवश्यकता है। यह सहकारिता से ही संभव है। सहकारिता एक स्पिरिट है। इस स्पिरिट के लिए संस्कार आवश्यक है। इसलिए श्री इनामदार जी हमेशा कहते थे, बिना संस्कार नहीं सहकार। भारत का सहकारी आंदोलन विश्व में सबसे बड़ा है। सहकारिता के कारण अन्न उत्पादन में हरित क्रांति और दूध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाकर हम दुनिया में आगे हैं। सहकारिता के लिए अमूल एक उदाहरण है जिसका काफी विस्तृत से गृह मंत्री जी ने अभी आप लोगों के बीच में रखा। मैं स्वयं भी एक किसान परिवार का बेटा हूँ जो एक संयुक्त परिवार है। मैंने बहुत करीब से ग्रामीण जनजीवन से जुड़ी सहकारिता की पवित्रता का अनुभव किया है। सहकारिता ही एक ऐसा माध्यम है जो गांव, गरीब और किसान की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। वर्तमान समय में अनेक क्षेत्रों में सहकारिता के माध्यम से कार्य हो रहा है। शुगर और डेयरी के अलावा नए विषयों को लेकर सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में खादी और ग्राम उद्योग मंडल द्वारा महाबलेश्वर के पास शहद का गांव विकसित किया गया है। मधुमक्खी पालन कर मधु क्रांति के क्षेत्र में नए आयाम सामने आ रहे हैं। इससे किसान की आय दुगनी हो रही है। स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय का गठन देश की अर्थव्यवस्था को
$10 trillion तक ले जाने में सहायक सिद्ध होगा। अमृतकाल में किए गए सहकारिता के क्षेत्र यह प्रयास समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज भारत सेवा तथा मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अग्रणी बन गया है। यह दुनिया का एक महान विनिर्माण देश भी है, लेकिन कृषि क्षेत्र के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। कृषि आज भी हमारे 50% से अधिक लोगों का भरण पोषण करती है। भारत की समृद्धि की कुंजी हमारे किसानों के लिए कृषि को लाभदायक बनाने में सिद्ध होगी। आइए हम सब एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने के लिए मिलकर काम करें जहां हमारे महान राष्ट्र का हर किसान फलता फूलता हो और जहां कृषि के सभी के लिए सतत विकास और समृद्धि के प्रतीक के रूप में खड़ी हो। यह दिवंगत श्री लक्ष्मण राव इनामदार जी को हमारी सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक बार फिर मैं माननीय लक्ष्मण राव इनामदार स्मृति व्याख्यान माला का आयोजन करने के और हमें इस कार्यक्रम में हिस्सा बनाने के लिए मैं मुंबई विश्वविद्यालय और सहकार भारती को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर आदरपूर्वक धन्यवाद। सर्वांच्या विषयी कृतज्ञता व्यक्त करत आपण आजच्या कार्यक्रमाचा समारोप राष्ट्रगीताने करूया। आपण सर्वांनी आपल्या जागेवरच राष्ट्रगीतासाठी उभं राहावं। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आधी सर्व मान्यवरांना इथून प्रस्थान करते, मग आपण आपली जागा सोडावी अशी आपल्याला आदरपूर्वक विनंती आहे। सर्वांविषयी मनपूर्वक कृतज्ञता।